निषाद राज ने उसी निषाद परिवार को जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रताड़ित किया है, मैं आपसे इतने ही कहना चाहती हूँ, इस परिवार ने, इस समाज ने, जिसने जब प्रियंका जी गंगा यात्रा कर रही थी उस वक्त इसी परिवार ने उस यात्रा में इन्हीं की नाव से चली थी, जब इन्होंने अपनी पीड़ा प्रियंका जी तक पहुंचाई, उनसे रहा नहीं गया और तत्काल इस परिवार के और आपके समाज के साथ खड़े होने के लिए प्रियंका जी आज आपके बीच में है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आपसे कि ये माँ गंगा है जिन्होंने आपको अपने बेटे की तरह पाला है। आज जब इस परिवार को संकट में देखा है तो मैं इतना ही कहूंगी कि माँ गंगा ने और आपने प्रियंका जी को पुकारा है। आज प्रियंका जी माँ गंगा और माँ यमुना के पुकार पर आपके परिवार के बीच में आई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस आपके इस अधिकार की लड़ाई को हम सब लड़ेंगे। कल प्रियंका जी का निर्देश हुआ है, कल से उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ नेता के रूप में इस पूरे मुद्दे को उत्तर प्रदेश की सरकार को जवाब देना पड़ेगा और जो आपके साथ अन्याय हुआ है उसकी गूंज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में गूंजेगी, ये मैं आपको देना चाहती हूँ। अब मैं आदरणीय प्रियंका जी से अनुरोध करूंगी कि वो अपने परिवार से आपसे संवाद करें। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी समस्याओं को समझने के लिए यहाँ आई, आपके दुख को समझने के लिए यहाँ आई। पिछले साल जब गंगा यात्रा में मैं गई थी तो आप मेरे साथ थे और इन्होंने मुझे सब बताया कि किस तरह से पहले आपको पट्टे मिलते थे, आपका अधिकार होता था उन पर और आपको कुछ चीजों की छूट थी और इसलिए छूट थी क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो समझती थी कि आपके अधिकार क्या हैं और वो ये बात समझती थी जो पूरी दुनिया आज समझने लग गई है कि जो पर्यावरण है, जो नदियां हैं, जो जंगल है, उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं जिनकी कमाई उसके जरिए से होती है, वो उसकी हानि कभी नहीं करते क्योंकि जब आपका जीवन उससे जुड़ा हुआ है तो आप उस चीज की हानि नहीं करेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनका जीवन तो नदी से जुड़ा नहीं होता, जंगलों से जुड़ा नहीं होता, तो जब वो काम करते हैं तो व्यापार करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि अगर नदी की हानि हो रही है या जानवरों की हानि हो रही है या जंगलों की हानि हो रही है। ये समझ आप में है, आप में समझ ये है क्योंकि पुश्तों से आप ये काम कर रहे हैं और इसी काम पर आपका जीवन निर्भर है। इस काम के बिना आपका जीवन ही मुश्किल है। तो ये बात जब सरकार समझती है और जब सरकार आपके प्रति जागरूक होती है तब सरकार ऐसे नियम, ऐसे कानून, ऐसी नीतियां बनाती है जिससे आपका भला हो और नदी का भी भला हो। लेकिन आज की सरकार जो है वो आपके लिए नहीं चल रही है, खनन माफिया के लिए चलाई जा रही है, अलग अलग माफियाओं के लिए चलाई जा रही है। आपने सुना होगा बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों का, किस लिए? इसीलिए क्योंकि उनके मामलों में भी, उनके समस्याओं को भी सरकार समझ नहीं रही है या पूरी तरह से समझ भी रही है लेकिन मदद नहीं करना चाह रही है। क्योंकि जो कानून बनाए गए हैं, कृषि कानून बनाए गए हैं, उससे किसान का नुकसान हो रहा है और बड़े बड़े उद्योगपति खरबपति उनका फायदा हो रहा है। उसी तरह से जो कानून गंगा नदी पे लागू हो रहा है और नदियों पे लागू है, जमुना पे लागू है, वो कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, नदी की भलाई के लिए नहीं है। वो कानून इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उनसे उद्योगपतियों के की भलाई हो और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो उनको सब इजाजत है। और कानून इस तरह से बना गया है कि वो अपना कारोबार धंधा कर सकते हैं, वो यहाँ नदी से कमाई कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। मैं आपकी तरह महिला हूँ,
मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पीड़ा कैसी है। अगर आपको यहाँ पे मारा पीटा गया है तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन पे को और शासन को, और अगर यूपी पुलिस ने आपको मारा पीटा है तो उनको भी सोचना चाहिए। जिस तरह से मैंने वीडियो देखा कि यहाँ पे तमाम लोग आए और आपको पीटा और आपके बच्चों को मारा, आपकी नाव तोड़ी है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो जो आपकी बरादरी है, आपने बहुत मदद की है इस सरकार की, जब इनका आपके वोट से ये सरकार आई है, लेकिन भूल गए हैं। और बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो नेता है जब वो भूल जाता है कि उसको सत्ता किसने दी है, तब वो भटकने लगता है। इनको समझ में नहीं आया है कि बनाने वाले आप हैं, आपने इनको सत्ता दी है, इनको आपके लिए काम करना चाहिए, आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, आपकी जो समस्याएं हैं उनको समझ के उनको सुलझाना चाहिए। तो मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आप सबको कहने के लिए, सबसे पहले तो समझने के लिए यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं नीचे जाके आपके नाव भी देखूंगी, और ये कहने के लिए यहाँ आई हूँ कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगी, कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आपने कहा कि आपको न्यायपालिका में मदद चाहिए, मैं आपने जिन लोगों के नाम लिए, सिब्बल साहब, सलमान साहब और अभिषेक सिंघवी साहब, तीनों से मैं बात करूंगी, वो आपकी मदद करेंगे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से आपकी मदद करेंगे। अगर इसके बाद आपको प्रताड़ित किया गया कि मैं चली जाऊं और आपको यहाँ आके कोई तंग करे, तो मेरे सारे यहाँ पे जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता हैं, आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। अल्पना जी ने आपके लिए बहुत काम किया है, वो यहाँ है, वो भी मदद करेंगे। तो आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी, आपने कांग्रेस की सरकार में देखा होगा कि सबसे पहले जो आपके अधिकार हैं, जो जनता के अधिकार हैं, उनको मजबूत किया जाता है। तो आप जैसे जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया है, आपकी समस्याएं बढ़ रही हैं, उनको कम करना हमारा काम है, और हम आपका जो पट्टे का अधिकार है उसके लिए हम लड़ेंगे और हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत स्पष्ट तौर से दीदी ने कहा कि अगर सरकार आएगी तो आपका अधिकार जो जमीन के पट्टे का है, हम आप लोगों को वापस करेंगे। आदरणीय दीदी ने ऐलान किया।